दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और दोस्तों आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक खबरें लेके आए। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूले मत और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। सो देन रुके क्यों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस है टेक न्यूज है उन सभी की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन एंड वॉच इट। सो देन चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं हम फेसबुक से। फेसबुक मेक्स इट ऑफिशियल, व्हाट्सएप ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स विल सून हैव अप टू 8 पार्टिसिपेंट्स। जी दोस्तों ये पहले भी आया था लेकिन फेसबुक ने अब कंफर्म कर दिया कि व्हाट्सएप ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स विल सून हैव अप टू 8 पार्टिसिपेंट्स। सो अच्छी बात है, अब आप 8 लोग मिलके व्हाट्सएप में ऑडियो या वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगली खबर है सैमसंग की तरफ से। वेरिजोन एक्सक्लूसिव क्लाउड व्हाइट सैमसंग गैलेक्सी S20 गेट्स पिक्चर्ड। सो ये व्हाइट कलर का सैमसंग गैलेक्सी S20 पिक्चर हो गया है, मैं अभी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 इन व्हाइट कलर, क्लाउड व्हाइट कलर। दोस्तों अगली खबर है आईफोन की तरफ से। एप्पल आईफोन SE 2020 गोज ऑन सेल इन 40 कंट्रीज, यानी कि अभी तो टोटल 40 कंट्री में आईफोन SE 2020 गोज ऑन सेल। और दोस्तों अगली खबर है वन प्लस की तरफ से। एडिशनल इश्यूज सरफेस रिगार्डिंग वन प्लस 8 प्रो डिस्प्ले। जी दोस्तों अभी एक इशू आ रहा है कि ग्रीन टिंट दिख रही है आपको ऑन वन प्लस 8 प्रो डिस्प्ले, और दोस्तों कभी कभी तो ब्लैक टिंट भी दिख रही है। आप अगर डिजिटल वेलबींग बंद करोगे तो ब्लैक टिंट क्या इशू भी आपको दिख रहा है। सो मैं होप करता हूँ कि वन प्लस अपडेट दे और ये इशू चला जाए जल्द ही। और दोस्तों अगली खबर है LG की तरफ से। लेकिन वो बताने से पहले हमारी टेक न्यूज कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है लाइक करना ना भूले। और दोस्तों अब बढ़ते हैं LG की तरफ। और LG वेलवेट के स्पेक्स दोस्तों लीक हो गए। जो स्पेक्स लीक हुए वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले LG वेलवेट में आपको 4 कलर्स मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज एंड ग्रीन। सो अब बता दें इसके स्पेक्स। और LG Velvet said it to support 48 megapixel main camera with OIS, 8 megapixel ultra wide and a 5 megapixel depth sensor. और the main sensor is rumored to be Samsung ISOCELL Bright GM2. और दोस्तों है ना अदर हैंड, और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो सकता है दोस्तों, और 8GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल सकती है, और आपको माइक्रो SD स्लॉट भी मिल सकता है, और स्टीरियो स्पीकर्स बिल्ट इन हो सकते हैं। सो काफी अच्छा है। और LG Velvet हैज IP68 रेटिंग फॉर वाटर एंड डस्ट, और इसमें आपको इसका जो वेट है वो है 180 ग्राम्स। और दोस्तों अगर बैटरी की बात करें, सो 4300 mAh की बैटरी है, और इसमें आपको कलर्स तो मैंने आपको बता दे, सो अभी तक इतने स्पेक्स आए। सो जब इसके पूरे स्पेक्स आ जाएंगे सो इसके ऊपर हम ये वीडियो जरूर करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आ रही है शाओमी की तरफ से, यानी रेडमी की तरफ से। शाओमी मी 10 यूथ एडिशन के प्राइसेस रिवील्ड हो गए, और ब्लूटूथ हेडसेट एंड रेडमी बुक 13 का राइजन एडिशन ऑल्सो एक्सपेक्टेड। और मी 10 यूथ एडिशन, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है CNY 2299, ये एक्सपेक्टेड है, और ये प्राइस अप्रॉक्स है ₹24,800। सो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये इंडिया में आए ₹24,800 में। सो आई थिंक काफ़ी अच्छी प्राइस है दोस्तों। मी 10 यूथ एडिशन चाइना में लॉन्च होगा मंडे को April 27th। सो मैं भी दोस्तों काफ़ी एक्साइटेड हूँ मी 10 यूथ एडिशन के लिए, क्योंकि इसके स्पेक्स भी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों मीट एंड यूथ एडिशन सेड है टू फीचर टू कम इन 4 कलर्स, पिंक, पीच, ऑरेंज स्टॉर्म, ग्रीन टी एंड ब्लूबेरी। कल या परसों की टेक न्यूज़ में मैंने इन सब कलर्स का एक आपको पिक्चर दिया हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो जाइए जरूर देखेगा, उसकी भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और दोस्तों अगली खबर भी रेडमी की तरफ से। अलेज्ड रेडमी K30i इमेज स्पॉट हो गए ऑनलाइन, और इसमें रिवील है कि पंच होल डिस्प्ले एंड ट्रिपल कैमरास मिलेगा। और रेडमी K30i के स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड एन LCD डिस्प्ले एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों रेडमी K30i की प्राइस अप्रॉक्स 19,500 होगी, ये एक्सपेक्टेड है।
और इसके अभी तक पूरे स्पेक्स तो दोस्तों नहीं आए, लेकिन जब आ जाएंगे तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर होगा और आपको अप्रॉक्स इसकी प्राइस तो मैंने आपको बता दी है। सो जब लॉन्च होगा तो मैं आपको सब स्पेक्स बता दूंगा, लेकिन अभी जो स्पेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा होगा और 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और 4500 mAh की बैटरी मिल सकती है। सो असल मुझे तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ रेडमी K30i के लिए। सो जब लॉन्च होगा सो इसके ऊपर एक वीडियो हम जरूर करेंगे। दोस्तों अगली खबर है हुआवी की तरफ से यानी ऑनर की तरफ से, हुआवी वॉच GT2e इंडिया लॉन्च एक्सपेक्टेड सून आफ्टर कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड्स। और ऐसा कहा जा रहा है कि हुआवी वॉच GT2e इज पावर्ड बाय किरिन A1 प्रोसेसर और चिपसेट और इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 13,900। सो शायद ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स। दोस्तों अगली भी खबर है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस 8 एंड वन प्लस 8 प्रो पॉपअप बॉक्स इंडिया प्राइसेस रिवील्ड और विल इंक्लूड बुलेट्स वायरलेस जेड ईयरफोन्स। और इसमें आपको ये जो बॉक्स है इसमें आपको काफी सारे चीजें मिलेगी और जो प्राइस है दोस्तों वो इस अर्ली आ गए थे इसके पहले, लेकिन दोस्तों वो जो प्राइस है वो वन प्लस 8 के पॉपअप बॉक्स की प्राइस इन इंडिया है ₹45,999 विच इज 1000 हायर, और जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसकी प्राइस है 44,999 और इसकी प्राइस है 45,999। सो 1000 आपको देना है, उसमें आपको वन प्लस के वायरलेस जेड ईयरफोन्स भी मिलेंगे। और अगर वन प्लस 8 प्रो की प्राइस की बात करें सो इसकी प्राइस है ₹60,999 और पहले थी इसकी प्राइस 59,999। सो दोनों पे आपको 1,000 ज्यादा देके आप ये बॉक्स ले सकते हो और ये लिमिटेड एडिशन है, इसमें आपको वन प्लस जेड भी मिलते हैं। सो दोस्तों ये एक काफी अच्छी डील है। और दोस्तों अगली खबर है ओप्पो की तरफ से, जी नहीं दोस्तों अगली खबर है सैमसंग की तरफ से, ओप्पो नहीं, सैमसंग गैलेक्सी A21s के डिटेल्स रिवील्ड हो गए इन FCC सर्टिफिकेशन। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है टू लॉन्च वेरी सून और इसकी पिक्चर आ गई, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें की स्पेसिफिकेशन है कि इसमें आपको Exynos 850 का प्रोसेसर मिलेगा, 3GB की रैम होगी, Android 10 का सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। सो आई थिंक ये काफी अच्छा मिड रेंजर या 10,000 के नीचे हो सकता है और ब्लैक व्हाइट ब्लू रेड ऑप्शंस कलर ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आज के टेक न्यूज की आखिरी खबर है Redmi की तरफ से, और बहुत ही धमाकेदार खबर आ रही है Redmi की तरफ से, Redmi Note 9 ग्लोबल लॉन्च इवेंट इज ऑन April 30th, यानी कि कल या परसों या उसके बाद एक दिन बाद ये लॉन्च होगा और ये काफी एक्साइटेड दोस्तों इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और Redmi Note 9 सीरीज इज कमिंग ऑन April 30th और आप ऑनलाइन होगा ये लॉन्च इवेंट और उन्होंने पोस्टर भी डाल दिया दोस्तों। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि Redmi Note 9 Redmi 10X के जैसा ही होगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और 5020 mAh की बैटरी मिलेगी और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। सो और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि Helio G85 का प्रोसेसर हो, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि Helio G85 होगा, लेकिन अगर इसमें हुआ तो दोस्तों ये काफी अच्छा प्रोसेसर होगा। सो दोस्तों मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, और दोस्तों आज भी आपके लिए मैंने ट्राई किया बहुत सारी खबरें देने को। सो अब आपसे मैं मिलूंगा डायरेक्ट मंडे को, संडे को हम टेक न्यूज नहीं देते, लेकिन दोस्तों हम टेक फैक्ट संडे को करते हैं। सो अगर आपको वो पता नहीं होगा तो उसमें मैं आपको सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक फैक्ट्स बताता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो कल मैं वो एपिसोड करूंगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और हमारे जो भी टेक फैक्ट्स के एपिसोड है वो आप जरूर देखना, एंड फ्रेंड्स स्टे ट्यून एंड वॉच आवर ऑल वीडियोज एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। And thanks for watching and keep smiling.